तो मुझे खेत गिरवी रखना पड़ेगा। खेत तो हम तीनों के नाम है ना। पिताजी तो हम तीनों के थे आते जी। मुझे गिरवी विरवी नहीं रखना जमीन। गिरवी रखा गया तो कौन सा खींच उड़ा पाया मास्टर। बारह एकड़ की एक ही पट्टी बची है, उसे रहने दो। ऐसी उपजाऊ जमीन हमें दोबारा मिल सकेगी क्या? कल को अगर मुझे एकदम से पैसों की जरूरत पड़ जाए तो मुझे तो मेरी इसी जमीन मिलनी चाहिए ना। तो एकदम इससे की बात करने लगे। भैया ऐसी कौन सी गलती की है मैंने? कभी ना कभी तो बात करनी ही थी। सुधीर तुम इससे की बात तो कर रहे हो पर ये भूल रहे हो कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में कितना खर्च हुआ। वो सब तात्या जी का बस नाम था, तुम भी जानते हो। सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ के उन्होंने छुट्टी पा ली थी। तुम्हारी शादी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में गया कुछ कम खर्च हुआ और तुम एकदम हिस्सा मांगने लगे। देखो भैया, आपने मुझे बहुत सुना है, आपने मुझे पढ़ाया, मेरी शादी की, लेकिन आज एक मेरी बात भी सुनिए। मेरी पढ़ाई और मेरी शादी में क्या आपने अपनी जेब से खर्च किए हैं? जो जमीन मेरे हिस्से की थी उसी की उपज हो पाया है सब कुछ। अब 20 वर्षों तक जो आप सारी उपज खाते रहे उसका क्या? कभी उपज के 4 पैसे दिए? सिर भर अनाज कभी दिया? गावा कर ले जाते अपना हिस्सा। हम कोई भिखारी है जो लाद कर ले जाते हैं? सवाल ये है कि आपने अपना बड़प्पन कभी दिखाया? छोटी में जब भी आता तो 10-10 बार ताने मारते थे। यहाँ आने से तनख्वाह बचती है, यहाँ आने से तनख्वाह बचती है। तभी से नान पकड़ लिए, 4 दिन से ज्यादा कभी ठिकान 400 आया भी नहीं, वो भी सहन नहीं होता आपसे। हाँ आप लोभी किसने कहते मुझे, किसने कहते लोभी? सुधीर थोड़ा से मोटा तमाशा करो ना। सुन लीजिए बच्चों को, ये तो कल वो कहेंगे दादा मुझ में खाना खाने आते थे। हो गया तो तुम सब समझ गए। हाँ ये सच है कि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, उपज नहीं दिया, अनाज नहीं दिया, लेकिन कभी इतने वर्षों में ध्यान आया कि इतना ही पूछ लो खेती कैसी चल रही है? माँ का ऑपरेशन अमरावती ले जाकर कराया, वहां 2 महीने घर लेकर रहा, तात्या जी की लंबी बीमारी, उसमें क्या कुछ कम खर्च हुआ? फिर वही बात, माँ और तात्या जी को क्यों दोष दिया? क्या उनका कुछ भी नहीं? ये क्यों शर्मिंदा करते यार? एक बार खुद आकर देख लो, एक वर्ष तक फसल आके फिर 3 वर्षों तक आती ही नहीं। चौ जमीनों में फसलें क्यों नहीं? मैंने काश्तकार के कब्जे में कोर्ट में जमीन के लिए मुकदमा किया, यहाँ का सारा काम धंधा छोड़कर अमरावती की दौड़ लगानी पड़ी। उसने कितने पैसे गए? ऊपर से नीचे तक सब ब्राह्मण देशी, एक भी मुकदमे का फैसला अपने अनुकूल नहीं होने दिया। साहब लोगों को खिलाना पिलाना पड़ता है, वो अपने से नहीं जमता। तुम्हें भी पता है कि गांव में रहकर ब्राह्मणों का खेती करना कितना कठिन है। लेकिन दूसरों कैसे चलता है? तुम्हें पता है, तुम्हें पता है कैसे चलता है? इस गांव में 7 ब्राह्मणों के घर थे जिनमें से 3 कब के चले गए, बचे 4 जिनमें से 2 भिखारी और 1 मास्टर, सभी कर चले थे। अपना ताते उच्च हिसाब का कर्जा भी बढ़ा। दूसरे दाते को तो ठीक है, वे अपने देशी द्वार रुपये को आज हवेली खड़ी कर चुके हैं। कोई कोई ट्रक चलाता है, कोई दलाली करता है, निर्वाचित है ही। ये सब होगा अपने से होगा? समय बदलता गया है, घर के खर्च में बिल्कुल भी कमी नहीं है, सब जैसा कि तैसा, तीज त्यौहार कर्म धर्म पूजा पाठ सब जैसा कि तैसा। अरे ऐसा कुछ तो मुंबई में लोग आता बड़ा शुरू, फक्त गणपति आणि लक्ष्मी पूजा का साथ त्या घर पर खर्च होतो। तुम यहाँ कच्चा काम करके दिखाओ। मुझे कुछ करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। ये देखिए इतना फालतू खर्च, एक साथ 4-4 सदस्य सजी पड़ी थाली में। सुधीर उसकी अलग अलग पैसा दे रही है, किसी को एक चीज पसंद है तो किसी को दूसरी, ये कैसी आदत? और अगर खाली अच्छे से भरी भी ना हो ना तो मुझे खुद को पसंद नहीं। इस जन्म में तो मुझसे कॉपरेशन कंजूस है नहीं होना जी,
चाहे कुछ भी कह दो तुम्हारा कुछ